हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों हमेशा की तरह आज फिर हम एक लीगल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी डिवोर्स चाहिए हो तो कौन सा ग्राउंड उसको यूज करना चाहिए। देखिए, यदि पत्नी है तो पत्नी क्रूरल्टी का ग्राउंड यूज करती है कि भाई मेरे को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया गया, तो वहां पर ये ग्राउंड उसको हेल्प करता है, डिवोर्स उसको मिल जाता है आसानी से, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जब पति अपनी तरफ से क्रूरल्टी का ग्राउंड लेकर के आता है तो वहां पर उसका ये ग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं माना जाता और इसको साबित करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए पुरुष के लिए बेटर यही होता है कि वो क्रूरल्टी के साथ साथ किसी और ग्राउंड को भी अपने डिवोर्स का आधार बनाए, तब वो डिवोर्स केस में जाए। अब देखिए दोस्तों, डिवोर्स केस में जैसा आप सब जानते हैं, पहले मैं कई सारे वीडियो भी लेके आ चुका हूं, टाइम बहुत लगता है। तो यदि आप इतना टाइम लगा रहे हैं और उसके साथ साथ आप पैसा भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप हैरिस भी हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कई सालों के बाद केस चलाने के बाद वो केस आपका खारिज हो जाए। इसलिए पहले से ही आपको ये सुनिश्चित करना है कि जो केस आप डालने जा रहे हो उसका जो मटेरियल है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके जीतने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो और आपको डिवोर्स की डिग्री मिलने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो। तो दोस्तों इसके लिए अपने को सिर्फ यही करना है कि पहले से ही अपने ग्राउंड स्ट्रांग करके चलने हैं, केवल क्रूरल्टी के बेस पे ना जाएं। क्रूरल्टी के साथ अगर आप कोई और ग्राउंड बना सकते हैं जैसे कि एडल्ट्री का या फिर डिसर्शन का तो ज्यादा बेहतर होता है। पर यहां पर बात वही है, अगर आप ग्राउंड एडल्ट्री का लेके आएंगे तो फिर आपके पास अच्छे एविडेंस होने चाहिए जो कि एडल्ट्री को साबित भी करते हो। जस्ट इतना कह देना कि मेरा जो पार्टनर है वो एडल्ट्री में रह रहा है ये पर्याप्त नहीं है, या फिर उसके किसी और के साथ फोटो दिखा देना इतना पर्याप्त नहीं होता है। आपको एविडेंस लेके आने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा एक्चुअल में कि उसका उसके साथ रिलेशन है। वो कैसे बता सकते हैं आप, उनकी कोई कन्वर्सेशन हो, उनकी कोई चैट हो, कोई होटल रूम का ऐसा रिकॉर्ड आपके पास हो जिससे पता चलता है उन्होंने नाइट साथ में गुजारी है, तो इस तरह की चीजें मान्य होती हैं। अब दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे एक जजमेंट बताने वाला हूं जिसमें हस्बैंड ने दो चीजों को ग्राउंड बनाया, क्रूरल्टी को और डिसर्शन को, और कैसे कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया और फिर कैसे अपना जजमेंट दिया। आज के इस वीडियो में पूरी बात को जानिएगा ताकि आप भी अपने केस में कोई ऐसी गलती ना कर दें जिससे आपको डिवोर्स का केस डालने पर आपके सालों खराब हो जाए, उसके बाद में आपको डिवोर्स की डिग्री ना मिले। तो दोस्तों पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी इस तरह की लीगल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों पूरे मामले के फैक्ट्स को समझते हैं। अब दोस्तों इस मामले में हस्बैंड ने जो पिटीशन डाली अपनी तरफ से डिवोर्स की, उसमें उसने बताया कि उसकी मैरिज हुई थी, मैरिज के बाद उसकी बेटी हो गई थी, और हस्बैंड ने ये जो पिटीशन फाइल करी थी इसमें जो डिवोर्स के लिए ग्राउंड रखा था वो क्रूरल्टी और डिसर्शन का रखा था। मतलब उसके साथ क्रूरल्टी हुई है और उसकी वाइफ बिना किसी कारण उसको छोड़ करके चली गई है और 2 साल से ज्यादा समय से वो अलग रह रही है। अब अपने केस में हस्बैंड का वर्जन ये था कि जो पत्नी है वो उससे झगड़ती है, उसको कहती है कि वो अपने माता पिता से अलग होकर के रहे, जो कि अपने आप में क्रूरल्टी है, और अधिकतर समय अपने मायके में ही रहती थी, और जब उसकी बेटी का जन्म हुआ तो हस्बैंड को बताया तक नहीं गया कि उसकी बेटी का जन्म हुआ है। हस्बैंड ने आगे बताया अपने वर्जन में कि उसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, तब भी वो एक बार भी देखने नहीं आई, फिर उसके पिताजी की जब डेथ हो गई तब वो आई, वहां पर 1.5 महीना लगभग रही है, और उसके बाद फिर से अपने मायके चली गई, और इस दौरान वो अपनी बेटी को भी मारती पीटती थी, और अब वो 3 साल से अपने मायके में ही है। इसके अलावा उसने हस्बैंड पर क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज कराया है 498A, 406, 313 और 325 ऑफ IPC के अंतर्गत। अब दोस्तों पूरे मामले के तथ्यों को फैमिली कोर्ट ने देखा और वाइफ की बात को भी सुना, और फैमिली कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ हस्बैंड से और फैमिली कोर्ट ने डिवोर्स की डिग्री ग्रांट नहीं करी। अब जो हस्बैंड था वो इसके बाद अपील में गया हाई कोर्ट। अब दोस्तों यहां पर फोकस इस बात पे किया गया कि जो वाइफ थी उसने हस्बैंड के खिलाफ लेटर जगह जगह भेज दिए, जैसे कि उसने CM साहब के यहां पे लेटर भेज दिया, उसने जहां वो काम करता था उसके डिपार्टमेंट में लेटर भेज दिया, उसने और भी कई सारी अथॉरिटीज को लेटर भेज दिए। हस्बैंड के अनुसार उन लेटर्स को पढ़ के साफ पता चलता है कि वो जो लेटर है वो केवल उसकी इमेज को खराब करने के लिए ही दिए गए हैं, और ये साफ क्लियर है कि जो वाइफ की इंटेंशन थी वो केवल हस्बैंड का करियर खराब करने की थी, उसकी रेपुटेशन खराब करने की थी, उसका मेंटल पीस भंग करने की थी। अब दोस्तों जब कोर्ट ने सारी चीजों को देखा, और सबसे खास बात कि बहुत समय इस मुकदमे को चलते हुए हो गया था और उनको अलग रहते हुए भी 22 साल का समय गुजर चुका था, तो कोर्ट ने माना कि अब इस विवाह को आगे चला करके कोई फायदा नहीं है, सारी मीडिएशन फेल हो चुकी है। तो ऐसे में जो हाईकोर्ट थी, हाईकोर्ट ने पति के पक्ष में डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर दी। तो इस तरह से दोस्तों डिवोर्स के केस में समय बहुत लगता है, और अगर आप इतना समय लगा रहे हैं इस चीज से बाहर आने के लिए तो फिर कम से कम ये सुनिश्चित कर लें कि वो समय लगाने के बाद आपको डिवोर्स की डिग्री तो मिली जाए, कहीं ये ना हो समय भी गया पैसा भी गया
और बाद में डायवोर्स की डिग्री भी नहीं मिली, कोर्ट ने मना कर दिया। तो इसलिए जो भी आप डायवोर्स का केस करते हैं वो बहुत स्ट्रांगली कीजिए, आपके पास अच्छे एविडेंस होने चाहिए, अच्छे ग्राउंड्स लेकर के आइए, तभी डायवोर्स के केस में जाएं, अन्यथा ना जाएं। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके आप इस जजमेंट को पूरा पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद देख सकते हैं कि यदि इस जजमेंट के जो तथ्य हैं वो आपके केस से मैच करते हैं तो अपने केस में आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।